आरडीएच आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा के सरकारी आवास पर पहुंचे डॉक्टर्स, प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत भी इस दौरान मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 8 बिंदु ऐसे हैं जिन पर सहमति बनी है और इन सहमति के साथ मानकर चला जा सकता है कि राइट टू हेल्थ राजस्थान में लागू हो रहा है और देश का पहला राज्य जहां राइट टू हेल्थ जनता को समर्पित। आरडीएच आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से यह आंदोलन चल रहा था उससे आम जन परेशान थी। हजारों की संख्या में ऑपरेशन जिनको आगे बढ़ाया गया, अस्पताल बंद थे, इलाज नहीं हो रहा था, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश जरूर हो रही थी लेकिन इलाज में देरी हो रही। मेरे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, एक तरफ तो अच्छी खबर यह है कि सभी डॉक्टर्स मान गए, 8 बिंदुओं पर सहमति बनी, और दूसरी तरफ चिंता की बात यह कि जिनको अब इस दायरे में लाया जा रहा है अब वो विरोध कर रहे हैं। देखिए विजेंद्र, जिसको पूरे को मामले को जो बिल से प्रभावित होगा वो अलग से विरोध जरूर करेगा। हालांकि समझौता हो गया है और आपसे विरोध करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तो ऐसे में समझौता जो है वैसे लागू किया जाएगा। हालांकि अभी जीपीएम में ये भी बात सामने आ रही है कि जो विरोध करने वाले हैं वो आरजीएसएस और जनजीवन योजना का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। ये क्या है कि विरोध का स्वर होता है, क्योंकि जब आदमी हर आदमी को ये होता है कि वो अपनी पूरी बात जो है वो रखे और हर आदमी चाहता है कि अपनी जो खुद का फायदा जो है वो हर व्यक्ति देखना चाह रहा है। इसी के तहत इस आंदोलन में सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन खैर अब सहमति बन गई है। सहमति बनने के बाद के जो विरोध के स्वर है वो उठेंगे और उनको कैसे संतुष्ट करना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं होगा। मैं अब यही निर्णय लिया गया कि समझौता जो है उसको अक्सर से लागू किया जाएगा, जो तक नाराज चल रहे उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा विकास, 4 बजे डॉक्टर्स मीडिया से मुखातिब होंगे, मानकर चले उसमें स्पष्ट तौर पर यह कह दिया जाएगा कि अब ना कोई हड़ताल ना कोई प्रदर्शन, सारे अस्पताल खुलेंगे, इलाज के दरवाजे खुलेंगे। शुरू हो गई है और जीपीएम में संभवतः एक मंथ से ये राय तो ली जाएगी, लेकिन जो चिकित्सक जो डॉक्टर इसमें पूरे बिल से प्रभावित हो रहे हैं तो अपना विरोध जो है दर्ज करा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आज चिरंजीव योजना का बहिष्कार वो करेंगे। अब देख रहे हैं कि इसका आगे फील्ड में इंटरप्रिटेशन कितना ज्यादा होता है, कितना क्या होता है, लेकिन अभी की स्थिति में यह है कि समझौता सभी सर्वसम्मति समझौते को सभी ने स्वीकार किए। अच्छा विकास, जो बदलाव की बात की जा रही है क्या उसको बिल में संशोधित करके वापस विधानसभा लाया जाएगा? देखिए ये सब जो बदलाव की बातें हैं सब ये चीजें नियम में आएगी, जो रूल्स बनेंगे उस रूल्स के अंदर इस चीजों को शामिल किया जाएगा, ना कि बिल में। बिल को दोबारा से रखने वाली बात नहीं है, पास हो चुका है, अब तो जो नियम बनेंगे रूल्स बनेंगे उसमें इन चीजों का जिक्र किया जाएगा। जी विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आरडीएच आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है, जिनको इस दायरे में लाया गया है अब वो विरोध कर रहे हैं। मसलन जिनको अनुदानित रेट पर जमीन उपलब्ध कराई गई या फिर जो सरकार से किसी और अन्य मद में सहायता प्राप्त कर रहे हैं उनको इस दायरे में लाया गया है, अब वो ये कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे इसको सिग्नेचर कैसे किया गया। हालांकि मानकर चलिए कि अब आरटीएच प्रदेश में लागू हो गया, जल्दी इसके रूल्स बनेंगे, उन रूल्स में हो सकता है कि कुछ बदलाव हो, लेकिन देश का पहला ऐसा राज्य जहां आरटीएच को लागू किया जा रहा है और निजी अस्पतालों को भी मानकर चलिए कि देर सवेर इसमें लागू किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने कहा कि ये फेज वन है। अगर ये पहला चरण तो हो सकता है अगले चरण में कुछ संशोधन के साथ बाकी अस्पतालों को भी इसमें जोड़ दिया जाए।